हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं द्वारा बार बार की जा रही हड़ताल को लेकर दिए गए निर्णय के खिलाफ सोमवार को जिले के अधिवक्ताओं ने न्यायालय का बहिष्कार कर राष्ट्रपति और कानून मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पाली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पीएम जोशी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए इस निर्णय को अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा कि किसी भी समस्या के लिए उचित स्थान पर न्याय नहीं मिलने पर एकमात्र आंदोलन या प्रदर्शन हर व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन यह निर्णय अधिकारों का हनन है। इन लोगों ने कानून मंत्री से हस्तक्षेप कर इस निर्णय को निरस्त करवाने की भी मांग की। किस लिए ज्ञापन दे रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्रिमिनल अपील सुनते हुए एक और किया कि जो स्ट्राइक वगैरह करते हैं वो इल्लीगल है, जबकि उस प्रकरण से उसका कोई लेना देना नहीं था। और उसके साथ ये कहा कि जब जो कोर्ट सुनवाई करेगा वो सुनवाई करते हुए ही कह देगा कि ये वकील साहब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जबकि ये हमारी सर्वोच्च संस्था जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, उनके हाथ की बात है कि किसी वकील साहब को पैरवी करने देना या नहीं देना। उसकी सुनवाई का प्रोसीजर तय कर रखा है कि कोई कंप्लेंट आती है तो उसको सुन के उसके बाद डिसाइड करना है कि इनको प्रैक्टिस से रोका जाना है, और वो कह रहे हैं तुरंत ही इनको रोक दिया जाए। ये पूरे अधिकार छीनने वाली, बार काउंसिल के अधिकार खत्म करने वाली, हर एडवोकेट को स्वतंत्रता से जीने और प्रैक्टिस करने की रोकने वाला कदम है जो उचित नहीं है। इसलिए इसके खिलाफ पूरे भारत भर में आज बंद हैं कोर्ट, और पूरे भारत भर से एजिटेशन है, और उसी के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्रस्ताव पारित किया है उसके कारण पूरा भारत बंद है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।